वेलकम टू फूड इन किचन। रमज़ान सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन नूडल। ये बहुत ही क्विक और आसानी से बन जाने वाले नूडल्स हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर चिकन ले लिया है, बहुत ही छोटे छोटे उसके पीसेस काट लें और उसको हमने वॉश कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, या आधी चम्मच डार्क सोया सॉस, आधी चम्मच जिंजर का पेस्ट। जिंजर पेस्ट ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 पिंच बेकिंग सोडा और हम इसमें आधी चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। खूब अच्छे से इसको मिलाकर और इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। एक भगोने में हमने 2 लीटर पानी ले लिया है। पानी में जब उबाल आ जाएगा तब हम उसमें नूडल डाल देंगे। ये हक्का नूडल है और हम इसमें 2 चम्मच नमक डाल देंगे। नूडल्स को हमें लगभग 5 से 7 मिनट तक पकाना है। अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। नूडल्स को हमें 90% तक ही कुक करना है, बाकी कुकिंग फ्राई करते वक्त हो जाती है। अब हम एक पैन ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। इसको लगभग 5 से 7 मिनट तक फ्राई करें, बस इतनी देर में ही अच्छे से गल जाता है। जो हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला था उसकी वजह से ये बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से गलता है। चिकन फ्राई हो गया है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। सेम पैन में हम लगभग 4 टीस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें 3 से 4 कलियां लहसुन की चॉप करके डाल देंगे। लहसुन फ्राई हो गया है, अब हम इसमें 2 टीस्पून कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को भी लगभग 1 मिनट के लिए सौते करें। प्याज फ्राई हो गई है, अब हम इसमें कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे और इसे लगभग 30 सेकंड के लिए सौते करेंगे। शिमला मिर्च को ज़्यादा सौते ना करें क्योंकि इसका क्रंच रहना चाहिए। अब हम इसमें कैबेज डाल देंगे। कैबेज को भी 10 से 20 सेकंड के लिए ही सौते करें, सब्जियों का क्रंच बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसमें आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, 6 टीस्पून हॉट चिली सॉस डाल देंगे। हमने इसमें 3 टीस्पून डाला है, हमको कम लगा था इसलिए बाद में हमने इसमें और डाल दिया था। दो टीस्पून हम इसमें डार्क सोया सॉस डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बॉयल किए हुए नूडल डाल देंगे। नूडल्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये नूडल मिक्स हो गए हैं, अब हम इसमें फ्राई किया हुआ चिकन डाल देंगे।
चिकन डालकर एक बार फिर से इसको मिलाएंगे। और इसको इस तरह से टॉस करते हुए अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारे मसाले आपस में मिल जाएं। और ये हमारा नूडल बनके तैयार है। आप इन नूडल्स को रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें, बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगी। कम ऑयल में बन जाने वाले नूडल्स वेट लॉस के लिए भी बहुत ही अच्छे हैं। आप इन्हें अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। इसी तरह और भी मज़ेदार रेसिपीज़ पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।